हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे माय फर्स्ट बुक ऑफ अपोजिट्स। बोर्ड बुक्स में से अब ये बुक देखेंगे हम अपोजिट्स। अपोजिट्स को जो है हिंदी में जीद अल्फाज भी कहते हैं, और अपोज में यानी उसके बरअक्स, उसके अलग में हम बोल सकते हैं इसे। से हमारे थोड़ा सा हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हम आज अपोजिट्स देखते हैं। तो कितने सारे नाम्स हैं, कितने सारे थिंग्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लो, फास्ट। स्लो यानी आहिस्ता से चलने वाला, और फास्ट यानी तेज़ी। तो स्लो की एग्जांपल जो है टर्टल, कछुआ जो है बहुत ही स्लो चलता है। उसी के बरक्स में जानवरों में ही देखेंगे तो हम खरगोश हैं, रैबिट जिसे कहते हैं, तो जो है फास्ट है। तो यानी आहिस्ता से चलना और तेज़ी से चलना, ये इसका अपोजिट है। उसी तरह ये स्लो और फास्ट अपोजिट, स्लो का अपोजिट फास्ट। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं ओपन और क्लोज, यानी डोर यानी दरवाज़ा खुला है, वहीं पर उसका अपोजिट जो है बंद, यानी दरवाज़ा बंद है, डोर क्लोज्ड। तो ये ओपन और क्लोज्ड। उसी तरह अब हम तीसरा देखते हैं, देखिए फ्यू और मैनी। फ्यू यानी कुछ और मैनी यानी कई, ज़्यादा। तो फ्यू का अपोजिट होगा मैनी, यानी फ्यू में यानी कुछ बलून्स है और जो है कई ज़्यादा जो है बलून्स जो है कई ज़्यादा है। फ्यू का अपोजिट मैनी। अब हम दूसरा वर्ड देखते हैं हॉट, और उसका अपोजिट में होगा कोल्ड। हॉट यानी गर्म, यानी कॉफ़ी आपकी गर्म है, उसी तरह कॉफ़ी आपकी ठंडी है, यानी कोल्ड। अब जो है देखते हैं उसको, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी नरम, मुलायम, जैसे टेडी बेयर है ये नरम है यानी सॉफ्ट है। अब इसका उलट क्या होगा, हार्ड। हार्ड यानी सख्त, बहुत ही हार्ड यानी बहुत ही सख्त। तो सॉफ्ट का अपोजिट हार्ड, यानी नरम का उलट सख्त, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रंट, फ्रंट यानी सामने। बैक, बैक यानी पीछे, तो ये सामने है तो इसका उलट जो होगा पीछे, तो पीछे की तरफ। तो जो है सामने और पीछे, यानी फ्रंट का अपोजिट बैक। उसके बाद जो है इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर, यानी देखिए डॉग जो है, कुत्ता जो है अपने घर में अंदर बैठा हुआ है यानी इनसाइड। फिर डॉग, कुत्ता जो है आउटसाइड यानी बाहर बैठा हुआ है, तो उसे कहेंगे आउटसाइड। तो जो है अब इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड, यानी इन अंदर का अपोजिट बाहर, यानी अंदर बाहर। उसके बाद है एम्प्टी यानी ग्लास, ग्लास जो है आपका खाली ग्लास है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये एम्प्टी है। तो एम्प्टी का अपोजिट क्या होगा, फुल, यानी ये खाली और यानी ये भरा हुआ, यानी एम्प्टी का अपोजिट फुल। तो खाली का अपोजिट क्या होगा, फुल यानी भरा हुआ, खाली का भरा हुआ, एम्प्टी फुल। उसके बाद देखिए ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, जो है ओल्ड यानी बहुत ही पुराना, बहुत ही लॉन्ग जो है ये पुराना, यानी ओल्ड कार। तो उसका अपोजिट ओल्ड का क्या होगा, न्यू, न्यू, न्यू यानी नया, नया यानी पुराना, उसका अपोजिट नया, यानी ओल्ड का अपोजिट क्या होगा, न्यू। अब इसी तरह हमारे दिमाग को और सोचते हुए और दूसरा वर्ड याद करते हुए हम देखेंगे बिग, बिग यानी बड़ा, यानी बड़ा, उसका अपोजिट क्या होगा, स्मॉल यानी छोटा। तो हाथी, एलिफेंट जो है बड़ा है, तो उसके अपोजिट में स्मॉल यानी चूहा छोटा है, बहुत ही छोटा है, ये है वहाँ हमारा बिग, बिग का अपोजिट स्मॉल। अब उसके बाद जो है हेवी, हेवी यानी काफ़ी भारी, भारी बहुत ही बड़ा यानी भारी, वजन, वजन जिसे कहते हैं, यानी हेवी वजनीदार, उसका अपोजिट क्या होगा, लाइट यानी बहुत ही हल्का, यानी ये पर की तरह, एक पंख की तरह ये हल्का है। तो उसका अपोजिट क्या होगा, हेवी का अपोजिट क्या होगा, लाइट। सो हेवी, हेवी यानी उलट उसका लाइट, यानी वजन, वजन का आप उलट क्या होगा, हल्का। तो ये रहा हम देखे हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, अपोजिट्स हमारे वर्ड कौन कौन से हैं। स्लो, स्लो का अपोजिट फास्ट। उसके बाद है ओपन, ओपन का अपोजिट क्लोज्ड, यानी खुला यानी बंद।
उसके बाद है फ्यू, फ्यू यानी कुछ, मैनी यानी कई, ज्यादा कुछ और कुछ ज्यादा। उसके बाद है हॉट, हॉट का ऑपोजिट कोल्ड, कोल्ड के बाद जो है सॉफ्ट, सॉफ्ट का हार्ड। उसी तरह फ्रंट, फ्रंट का ऑपोजिट बैक। और उसके बाद है इनसाइड यानी अंदर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, अंदर बाहर, इनसाइड आउटसाइड। उसके बाद है एम्प्टी यानी खाली, उसका फुल यानी भरा हुआ, खाली भरा हुआ। उसके बाद जो है ओल्ड, ओल्ड यानी पुराना, न्यू यानी नया। उसके बाद जो है बिग, बिग यानी एलिफेंट बड़ा है, उसके सामने बिग का स्मॉल, स्मॉल यानी चूहा यानी छोटा है। उसके बाद जो है अब हम आखिर में देखते हैं हेवी यानी वजनीदार, लाइट यानी हल्का, वजनीदार उसका अपोजिट हल्का यानी हेवी यानी लाइट। तो चलिए ये हुए हमारे कुछ अपोजिट वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।